हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ दिलीप और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक लेटेस्ट ब्राउजर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डायनेमिक है। आप उसे बहुत ही डायनेमिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उस ब्राउजर का नाम है विवाल्डी। विवाल्डी एक्चुअली ये ओपेरा ने लॉन्च किया था। एक ओपेरा के CEO है, उनका एक नया उन्होंने एक नया वर्जन ब्राउजर का निकाला है। एक्चुअली ये ब्राउजर इसका बीटा वर्जन आया था नवंबर 2015 को। फिर इसका बीटा वर्जन के बाद इसका पहला जो वर्जन आया था फिर वो आया था 6 अप्रैल 2016 को, और एक महीने बाद इसका 1.1 वर्जन आ चुका है। और इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, और यहाँ पे आप यहाँ पे इसकी विवाल्डी की वेबसाइट पे भी आके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं बताता हूँ कि आपके इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर हैं जिसकी वजह से आपको इसे यूज़ करना चाहिए, और मैं इसे कुछ टाइम से इसे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रोजोन नाम से इंटरनेट बॉय नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टेक्निकल वीडियो जो भी हैं उनसे आप अपडेट रहें। ओके, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर अभी क्लिक कर लीजिए। यदि आप साइन इन नहीं है तो गूगल के थ्रू आपके जीमेल आईडी के थ्रू आप साइन इन हो जाइए। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले इसका इंटरेस्टिंग सबसे बड़ा फीचर है कि एक तो ये डायनेमिक है, आप जैसे चाहो इसे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। आप जब माउस ओवर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नेक्स्ट पेज पे खोलने का जरूरत नहीं है कि उस पेज पे क्या चल रहा है, कितना लोड हुआ, या आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, यदि आप चाहते हैं कि इसमें काफ़ी सारे टैब्स खुले हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको हाइबरनेट बुकमार्क टैब भी कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली यहाँ उठा के इस तरह रखेंगे। वन सेकेंड, या इस तरह रखेंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा। एक ही टैब के अंदर ये दो टैब आ गए। यदि आप इसको भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह आप काफ़ी ब्राउजर ऐड कर सकते हैं। लगभग 6 या 7 के आसपास इसमें टैब ऐड कर सकते हैं आप। ओके, इस तरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वापस इसको हटाना है तो चेक करना है तो इसे यहाँ पर राइट क्लिक करते जाइए और यहाँ पर रिमूव फ्रॉम द टास्क टैब एंड बहुत ईजी है। ओके, ये तो हुआ इसका इंटरेस्टिंग फीचर। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर पे चलते हैं। वो यह है कि आप जितनी भी आप वेबसाइट देखते हैं आपको वेबसाइटों के ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे आके आप वेबसाइटें भी ढूंढ सकते हैं। लाइक ऑलरेडी इसने बुकमार्क कर रखे हैं इनबिल्ट, तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वेबसाइट्स देखना चाहते हैं वो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे सारी वेबसाइट इनबिल्ट आती है, तो वो यहाँ पे गेमिंग की, शॉपिंग की, स्पोर्ट्स की, लोकल ट्रेवल, बिजनेस, एवरीथिंग। और यदि आप यहाँ पे बुक इंपोर्ट करना चाहते हैं दूसरे बुक मार्क्स को आपके गूगल क्रोम के या बाकी जितने भी आपके ब्राउजर हैं जिन पे आपके बुक मार्क पड़े हैं, तो आप सिंपली जाके आप यहाँ से इंपोर्ट बुक मार्क पे या फिर इंपोर्ट बुक मार्क जो ही सेटिंग होती है। और एक और इसका इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आप इस पर वापस डबल क्लिक करेंगे तो वापस ये मिनिमाइज हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं इनकी सेटिंग चेंज करना तो यहाँ पे आप सेटिंग लिखा हो, यहाँ पे आप क्लिक करके भी सेटिंग में जा सकते हैं या कंट्रोल जैसे भी, या यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं सारी। यहाँ पे देखिए आप जैसे जैसे अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि गूगल क्रोम की तरह हो तो इस तरह है। ये इस पर क्लिक करने से ही बहुत ही इसलिए मैं बता रहा था कि ये ब्राउज़र बहुत ही डायनामिक है, आप इसे यूज़ करते हैं इस तरह। यदि आप चाहते हैं कि टास्क मेरा बैकग्राउंड ऐसा हो या ये हो, जो भी आप कलर चूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब टैब की बात करते हैं। टैब किस तरफ आपके टैब दिखने चाहिए, तो यहाँ पर आप लेफ्ट करेंगे, डाउन करेंगे, राइट करेंगे तो इस तरफ देखो ये सारे टैब्स आ गए, राइट करेंगे तो इस तरफ ये सारे टैब्स आ गए, बॉटम पे करेंगे तो वो बॉटम पे दिखने लग जाएगा। लेकिन बेसिकली हमें हमारी आदत है कि हम टॉप पे रखते हैं। ओके, नेक्स्ट पैनल पे चलते हैं। लेफ्ट राइट किस तरफ आपका पैनल शो होना चाहिए। ओके, जो ये बुक मार्क्स हैं या ये वाला पैनल। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं नेटवर्क वेबसाइट पे, वेब पेज पे डाउनलोड की प्राइवेसी कैसे रहनी चाहिए, माउस की, कीबोर्ड की क्विक कमांड जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कीबोर्ड की, जो आप खुद आप अपने आप बिल्ड कर सकते हैं कि कौन से शॉर्टकट की होनी चाहिए। लाइक क्लोज टैब की मैं एफ कर रखा हूँ तो मैं इसे कंट्रोल मैं एल्ट इसको क्यू करना चाहता हूँ तो क्यू कर सकता हूँ, जो भी आप इसे की अब देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ओके, ये तो हुआ इसका सेटिंग्स में बेसिक क्या क्या है, और वेब पेज, डिस्प्ले आल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, होम पेज पे क्या होना चाहिए होम पेज पे आप सेट कर सकते हैं यहाँ से।
लाइक मैं गूगल कर देता हूँ, जो कि हम जनरली करते हैं। ओके सेव। इस तरह आप सारे वेब पेज या सारी चीज़ें आप इसे यहाँ से यूज कर सकते हैं। प्राइवेसी सर्च, यहाँ पे सर्च में देखेंगे तो आप यहाँ पे जो भी बाय डिफॉल्ट जो गूगल सर्च इंजन है वो यूज कर सकते हैं, लाइक बिंग है, डुक डुक को है, या याहू, या मैंने अभी यहाँ पे ये कर रखा है गूगल, तो आप यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ओके कैंसिल कर देता मैं ऐड तो। ओके रिस्टोर डिफॉल्ट करेंगे तो यहाँ पे ये बिंग में जाएगा। ओके यदि आप चाहते हैं कि इसमें इस ब्राउजर में मेरे एक्सटेंशन कैसे काम करेंगे, तो एक्सटेंशन के लिए आपको यहाँ आपको गूगल इसके थ्रू लेना होगा विंडो विंडो को टू वेब बुकमार्क एक्सटेंशन, तो वो गूगल गूगल क्रोम वाले जो गूगल के एक्सटेंशन है वो वहीं से आपको यहाँ पे लोड करने होंगे। ओके एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यदि जब भी आप यहाँ कोई वीडियो लोड करते हैं या पेज लोड करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने न्यू टैब में डाला, इसको न्यू टैब में डालते हैं, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि कितना लोड उठा रहा है आपका ब्राउजर इसको लोड होने में। ओके सो इस तरह आप यहाँ पे इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके बारे में मैं और रिसर्च करूँगा, इसके आपके अपडेट्स देते रहूँगा। और यदि मैं अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको रिलीफ करूँ, और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग है कि आप यहाँ पे इसको इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे इसका विड्थ बढ़ जाएगा। एंड फाइनली मैं आपको एक बार वो बता दूँ कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे। ओके यदि आपका कोई सुझाव है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिखिए, और यदि आपकी और कोई रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं। Okay guys, thank you. See you in next video.